कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव जीतना संभव नहीं ये स्वीकार कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हिमाचल प्रदेश यानी देवभूमि में 9 नवंबर को जनता लोकतंत्र के सबसे बड़े यज्ञ में हिस्सा लेगी। कांग्रेस के सामने अपनी साख और सीट बचाने की चुनौती होगी तो बीजेपी पर जीत का भारी दबाव होगा। दबाव इसलिए क्योंकि हिमाचल के नतीजे ये तय करेंगे कि देश में नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों के बाद भी क्या पीएम मोदी अपनी साख बनाए हुए हैं। हिमाचल के चुनाव मैदान में 68 सीटों पर 349 उम्मीदवार अपनी तकदीर आजमाएंगे। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में कांगड़ा पहुंचे पीएम मोदी ने एक जनसभा में बीजेपी को बहुमत से जिताने की अपील की। क्या हिमाचल में मोदी फैक्टर चलेगा? प्राइम टाइम डिबेट में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव जीतना संभव नहीं ये स्वीकार कर लिया है। हिमाचल में सियासी दंगल जारी है। 9 नवंबर को मतदान के लिए जनता तय करेगी कि देवभूमि में डंका किसका बजेगा। फिलहाल पीएम मोदी ने कांगड़ा में पूरा जोर झोंक दिया। क्या हिमाचल में मोदी फैक्टर काम करेगा? पहले देखिए रिपोर्ट, फिर इस पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव जीतना संभव नहीं ये स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कांगड़ा में कांग्रेस को खूब ललकारा। शाहपुर के रैत में चुनावी सभा में मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मोदी ने रैली में कहा कि कांग्रेस भरोसा खो चुकी है और अब जीतने के लिए बीजेपी के बागियों की तलाश में जुटी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीत सकती। मैंने सुना है अब कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के प्रति भी भरोसा खो चुकी है और इसलिए ढूंढ रहे हैं कि किसी का कोई बागी कहां मिल जाता है, क्या उस बागी को हवा भर सकते हैं, क्या कोई बागी किसी के पोथोड़े से वोट बिगाड़ करके हमारा भविष्य बना सकता है क्या। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव जीतना संभव नहीं ये स्वीकार कर लिया है तो मैं तो मरूं लेकिन हिमाचल को भी मारूं। इस तर्क के साथ कांग्रेस पार्टी एक अस्थिरता का चित्र खड़ा करना चाहती है। मोदी ने अपने तर्कश से ये तीर भी छोड़ा कि जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी तब हिमाचल को सबसे ज्यादा योजनाएं मिली। हिमाचल वासियों के पास उस इतिहास को फिर से दोहराने का मौका है। अपने जोरदार भाषणों से आकर्षित करने वाले प्रधानमंत्री के दावों में क्या वाकई दम है? क्या हिमाचल की आवाम पर मोदी फैक्टर काम करेगा? कांगड़ा में मोदी ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की जय जयकार इसलिए हो रही है क्योंकि 125 करोड़ लोगों ने एक मोदी को चुना है और विदेश में कोई उनसे हाथ मिलाता है तो वो उन्हीं 125 करोड़ लोगों को देखता है। इन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने 2014 के लोकसभा के चुनाव में 30 साल के बाद भारत में पूर्ण बहुमत वाले सरकार चुन करके रख दी। और जब मोदी दुनिया के किसी देश के नेता से जब हाथ मिलाता है ना, गले लगता है,
तो उसको मोदी नहीं दिखता है, उसको मोदी के पीछे खड़े हुए 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। बहरहाल हिमाचल के रण में वीरभद्र और धूमल का दंगल देखने लायक होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री के तौर पर वीरभद्र के साथ लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो दूसरी तरफ प्रेम कुमार धूमल भी हिमाचल में अपनी धाक रखते हैं। देखना होगा कि क्या मोदी फैक्टर हिमाचल के लोगों को प्रभावित कर पाएगा। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव जीतना संभव नहीं ये स्वीकार कर लिया है। तो मोदी फैक्टर कितना काम करेगा और बीजेपी के लिए ये कितना हेल्पफुल होता है, इस चीज पर हम चर्चा शुरू करें। इससे पहले हमारे साथ चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांगड़ा पहुंचे, नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं हिमाचल में? देखिए अभिषेक, मोदी और शाह ने और योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने जिस तरह रैली करके दबाव बनाया है यहाँ पर, उस तरह कांग्रेस उतना आक्रामक दबाव लोगों पर, मास मीडिया पर, जनता पर नहीं बना पाई। और लोगों की उमड़ती हुई भीड़ ने एक संदेश किया है भाजपा को कि कहीं ना कहीं भाजपा के पास लोग आ रहे हैं, भाजपा के लिए लोग समर्थन कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है और भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। आज सुंदरनगर में जब मोदी रैली कर रहे थे, वहां जितने लोग मोदी की रैली में अंदर थे उससे कहीं उतने ही बराबर लोग सड़कों पर भी थे। तो इससे ये साफ हो रहा है कि मोदी और शाह की रैलियां, योगी आदित्यनाथ की रैलियां हिमाचल में कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा भारी हो रही हैं और लोगों का उत्साह कहीं ना कहीं उससे जुड़ रहा है, भाजपा को बढ़त इससे मिलती दिखाई दे रही है। जी पिंटू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिंटू, आपने कई सारे युवाओं से बात की, वहां के लोगों से आपने संपर्क साधा, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि किस आधार पे वह इस बार वोट डालने जा रहे हैं? जी अक्षय, बताना चाहूंगा कि ये जो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि जिस सरकार की इसका राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव देखने को पड़ेगा। क्योंकि अब तक जो भी चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ रही थी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो जो भी स्टेट हो, उनमें जीत का लक्ष्य लगातार इनका जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था वो पूरा होता नजर आ रहा है, जहां पर नेक टू नेक फाइट सीधी बीजेपी और कांग्रेस में जहां पर भी टक्कर थी वहां पर अब तक बीजेपी को सफलता मिली है 2000 लोकसभा चुनाव के बाद में। लेकिन ये जो चुनाव है, अब लगभग मोदी को लगभग 4 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है और ऐसे में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर इस हिमाचल जैसे राज्य में देखने को मिल रही है और यहाँ का परिणाम क्या रहेगा ये 2019 में भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में युवाओं की बात की जाए तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो रोजगार और टूरिज्म का है। यहाँ की जो जिस प्रकार के राजस्व की बात की जाए तो यहाँ पर राजस्व ज्यादा कोई राजस्व का आय का कोई ऐसा स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर जो भी सरकार होती है केंद्र सरकार के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का सबसे बड़ा जो लक्ष्य रखा जाता है। तो यानी युवा जो है वो रोजगार तलाश रहे हैं। राकेश भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर स्थिति को हम देख लें हिमाचल की, लंबे समय से आप वहां पे हैं, चीजों को आप देख रहे हैं, मुख्य मुख्य मुद्दे अगर देख लिए जाएं तो वे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? यहां लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। राकेश से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपने सुना हमारे संवाददाताओं को कि किस तरीके से वहां पे वोट डालने के लिए लोग जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, सबने मुद्दे जो है वो डिसाइड कर लिए। मोदी फैक्टर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो कितना इस बार काम कर सकता है हिमाचल में? अभिषेक, हिमाचल सामाजिक तौर पर थोड़ा भिन्न राज्य है। यहाँ पे प्रधानमंत्री एक फैक्टर हो सकते हैं लेकिन अकेले फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि हिमाचल का जो ताना माना है वो कुछ इस तरह का है कि ना तो वहाँ पे कोई
जाति या धर्म के किसी नाम पे कोई बात चलती है, और दूसरा यह है कि जो हिमाचल की अर्थव्यवस्था है, जो रोज़गार है, जो रिसोर्सेज का कंट्रोल है, वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो कहीं ना कहीं सीधे सरकार से जुड़े हुए हैं। जब वो सरकार से जुड़ते हैं तो वो प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होता है उससे जुड़ते हैं। तो मेरी समझ में हिमाचल में धूमल फैक्टर ज़्यादा बड़े हैं, वीरभद्र सिंह फैक्टर ज़्यादा बड़े हैं बजाय नरेंद्र मोदी के। लेकिन नरेंद्र मोदी भी एक दूसरी तरह से फैक्टर हैं, कि एक तर्क दिया जाता है जो मिसेस गांधी भी देती थी, जो केंद्र में सरकार हो उसी को चुनो राज्य में, जिससे कि आपको रिसोर्सेज ज़्यादा मिल सकें। ये बात निश्चित तौर पर बीजेपी अपने प्रचार में लेके आ रही है, और बीजेपी ये भी बात कर रही है कि यहाँ हर बार बदलाव होता है तो हमारी एडवांटेज डबल फैक्टर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में एक विशिष्ट बात है कि वो फैक्टर क्यों है। मेरी समझ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में हर विधानसभा क्षेत्र में व्यक्तिगत तौर पर किसी को जानते हैं, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज 1998 वगैरह के आसपास रहे, और बल्कि प्रेम कुमार धूमल को सबसे पहले राजनीति में को चीफ मिनिस्टर बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जब उन्हें सुखराम से बाहर से मदद ली थी उनकी पार्टी को अपने साथ जोड़ के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फैक्टर है, लेकिन वो द फैक्टर नहीं है। यों तो अगर आप कहें तो प्रीनी में वाजपेयी जी ने अपना घर बनाया हुआ है, और प्रियंका वाड्रा ने अपना घर शिमला में बनाया हुआ। तो ये जो सारे मुख्य लोग हैं ये हिमाचल से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आप कई जगहों पर जा रहे हैं, हर विधानसभा में आप जा रहे हैं, मुद्दों की अगर बात कर ली जाए, स्थानीय मुद्दे वो कौन कौन से हैं जो इस बार के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? अभी से जाहिर सी बात है, मुद्दों की बात मैंने कल भी था। इस पूरे इलेक्शन में जो भूमिका बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर है। अगर हम इन पांच साल पहले का फैक्टर अगर देखें तो पांच साल पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन खास तौर पे वीरभद्र सरकार तो टारगेट पर है ही, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को बहाना बनाकर के केंद्र में जो यूपीए गवर्नमेंट थी उनके ऊपर का लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था, करप्शन को लेकर के जिस प्रकार से लोकसभा इलेक्शन में आए थे, वही मतलब आरोप वही पुराने हैं। और हिमाचल की राजनीति को ऐसा किया जा रहा है मानो पांच साल में कुछ विकास हुआ ही ना हो। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धूमल का चेहरा भले ही एज ए सीएम के तौर पर नॉमिनेट किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरा मोदी का ही है। 7 से 8 कैबिनेट मिनिस्टर इस इलेक्शन में उतारना, और दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा अभी तक हिमाचल में ऐसा नहीं आ पाया है, केवल वीरभद्र अकेले। और वीरभद्र की यहाँ पर लोगों में बैठ भी है, कहीं भी अगर इंटीरियर में जाकर के हम बातचीत करते हैं तो कहीं भी, क्योंकि यहाँ के पुराने राजा रहे हैं तो वीरभद्र का लोग काफी आज भी सम्मान करते हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जो मैटर है, इन पांच सालों में जिस तरीके से मुद्दों को हवा दी गई है, मुखर रूप से विरोध जो है शो किया गया है, उसको देखकर ऐसा लगता है क्योंकि बीजेपी के पास केवल केंद्र सरकार की योजनाओं को बखान करने के अलावा कुछ भी नहीं है, और शायद यही कारण है। और जिस तरीके से पीएम मोदी की सभाएं और अमित शाह की सभाएं, ये दोनों जोड़ी पूरी तरह से मूड बनाकर के हिमाचल में उतरी है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास महज केवल ये दो चेहरे हैं जो केंद्र की योजनाओं का बखान करेंगे। अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट बड़ी लंबी हो सकती है अभिषेक, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी को पूरी तरह से गुजरात के साथ साथ यहां उतारना, कहीं ना कहीं बीजेपी में हल्का सा डर तो है अभिषेक। बिल्कुल डर है। चलिए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रमेश कुमार चौहान जी जुड़ गए हैं, चुनाव विशेषज्ञ हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर। आपसे एक चीज जरा सा समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता को भी आप सुन रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं सेंटर में रख करके ही चुनाव बीजेपी लड़ रही है, और भले ही चेहरा सामने दे दिया गया हो प्रेम कुमार धूमल का, तो क्या बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं एक डर भी है, और मोदी फैक्टर हिमाचल में कितना काम करेगा? हाँ, देखिए हिमाचल के चुनाव जो आने वाले 9 नवंबर को जो जिसका मतदान होना है, उस चुनाव में बीजेपी ने ये प्रयास जरूर किया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का एक जो कम्बिनेशन यूपी उत्तराखंड हरियाणा या दूसरे राज्यों के चुनाव में उनको कामयाबी दिलाने में हासिल हुआ है, शायद वही प्रयोग हिमाचल में भी सफल सिद्ध हो सकता है। यहाँ की राजनीतिक वास्तविकताएं थोड़ी सी अलग से हटके है। जब जब भी पिछले 15-20 सालों में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं,
तो राष्ट्रीय दलों के प्रदेश के नेताओं को सामने रखकर ही लोगों ने जो है अपनी प्राथमिकता को दर्शाया है। पार्टियां दोनों राष्ट्रीय है, यहाँ पर जो दो मुख्य जो राजनीतिक दल है कांग्रेस और भाजपा, तो कांग्रेस और भाजपा में चेहरों के तौर पर भाजपा की तरफ से प्रेम कुमार धूमल और कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह जो है एक चिर परिचित चेहरा रहे हैं प्रदेश की जनता में जी। अब इस बार जिस तरह से शुरू में भाजपा का प्रयास रहा है कि शायद चेहरा दिए बगैर ही मोदी और शाह की जो वेव कहेंगे भाजपा का एक बहुत भारत में बड़ा चुनाव और प्रांतीय चुनाव में 2014 के चुनाव के बाद जिस तरह के इनको कामयाबी और सफलता मिली है, तो हिमाचल में वर्तमान में ये नहीं नजर आ रहा है कि मोदी के नाम पे ही लोग मतदान करेंगे कि लोग ये देखना चाह रहे हैं। शायद यही वजह रही कि प्रेम कुमार धूमल का चेहरा जो है वो बीजेपी को आगे करना पड़ा। यस बिल्कुल, आप बिल्कुल ये बात समझिए बिल्कुल कि प्रेम कुमार धूमल के नाम पर अटकलें लग रही थी, दो तीन नाम साथ में और चल रहे थे जिनको पर्दे के पीछे काफी समय से चर्चा में था, पार्टी के लोगों के बीच भी था, आम लोगों में भी बात कहीं ना कहीं छन छन के आ रही थी कि नड्डा जी भी चॉइस हो सकती है केंद्र की, राकेश जम्वाल है एक जिनका आरएसएस का बहुत बड़ा उनको समर्थन है, ये नाम शायद आगे आ सकते क्योंकि ये नाम जो है वो हवाओं में कहीं ना कहीं तैर रहे थे। जयराम ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। जयराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी सर, अभी आप सुन रहे थे रमेश कुमार चौहान जी को कि किस तरीके से जो चुनाव की रणनीति को लेकर के बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी रही है, कई जगहों पर आपने बिना चेहरा दिए हुए चुनाव जीता, क्या जरूरत आन पड़ी कि बीच चुनाव का जब ऐलान हो चुका था, सारी चीजें जब चल रही थी, उस बीच में प्रेम कुमार धूमल का नाम सामने लाना पड़ा? इसमें सीधी सी बात है कि हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है और उस दृष्टि से सही वक्त पर सही निर्णय लेने का एक विषय आता है और उस दृष्टि से मुझे लगता है पार्टी नेतृत्व ने सोच विचार करके चर्चा करके ये निर्णय लिया है जिसमें पार्टी का हित है, पार्टी का लाभ है, उस दृष्टि से निर्णय लिया गया है। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक प्रदेश की स्ट्रेटजी एक जैसी रहे, हर एक प्रदेश में जो पार्टी वहां की जरूरत के मुताबिक जो है वो निर्णय लेती है, उसके मुताबिक निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, एक हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा है, वो एक सवाल लेना चाहते हैं। संजय जी, जयराम जी, आप ये बताएं कि जब जैसा कि प्रोफेसर चौहान बोल रहे थे और आपने कुछ कुछ उस बात की सफाई दी है, तो पहले से ही ये क्यों नहीं तय कर लिया गया कि धूमल हो सकते हैं? कहीं कहीं ऐसा लगता था कि केंद्र की मंशा थी कि जेपी नड्डा, वो केंद्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट की बात भी चल रही थी, वो भी एक विकल्प हो सकते हैं, शायद इसलिए वो असमंजस में थे? नहीं, मुझे लगता कि असमंजस की स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी पार्टी के अंदर, और असमंजस की स्थिति इसलिए नहीं थी, पार्टी ने इस बात को लेकर के तय किया था कि सही वक्त पर निर्णय लेंगे और सही वक्त पर निर्णय लेने की दृष्टि से जब बात आगे बढ़ी उस दृष्टि से निर्णय लिया गया। और जहां तक बात रही यहां पर हिमाचल प्रदेश में नड्डा जी का एक नाम है, नड्डा जी केंद्र में मंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और शायद पार्टी ने तय किया, पार्टी ने इस बात पर विचार किया कि केंद्र में जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उनकी जरूरत वहां पर भी है, उस दृष्टि से ये निर्णय लिया। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका अनुभव, लंबा अनुभव जो है, उस दृष्टि से ये निर्णय पार्टी के हित में मुझे लगता है कि पार्टी के नेतृत्व ने लिया और इसका लाभ निश्चित रूप से होगा पार्टी, पार्टी को इसका लाभ होगा। रमेश कुमार चौहान जी, आपने सुना कि किस तरीके से पार्टी जो है वो अपनी स्ट्रेटजी समय के अनुसार बदल रही है, हर स्टेट के हिसाब से बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है, लेकिन एक चीज है कि जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें जब हमने मुद्दों को तलाशने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया, बंदरों का। बंदरों को लेकर के बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सरकार को घेर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा मुद्दा है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है? के तौर पर पिछले चुनाव में भी और जो पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव भी होते हैं उन चुनावों में भी ये मुद्दा रहता है
कारण मुख्य इसका ये है कि जितने भी किसान बागवान है हिमाचल के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उनकी फसल जो है वो जंगली जानवरों की वजह से हर साल जो है वो उसका नाश होता है, उसका बचाव नहीं हो पाता है, और उसकी सुरक्षा के लिए सरकारों की तरफ से कोई विशेष कोई प्रयत्न या प्रयास या नीति ठोस सामने नहीं आई है। अगर आप इस बार के भी दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के अगर चुनाव जो घोषणा पत्र आए हैं तो इसके ऊपर कोई विशेष कोई ऐसी बात नहीं निकल कर आई है जिसके आधार पर वो लोगों को ये स्पष्ट तौर पर कोई बता सके कि आने वाले समय में हम किसानों की फसलों का जो है इस तरह से जंगली जानवरों से बंदरों से जो नुकसान और उनको परेशानी हो रही है, ये एक किस्म से आतंक है जंगली जानवरों का। वो चाहे सेब वाले क्षेत्र है, चाहे हिमाचल के दूसरे क्षेत्र है, कोई भी कृषक और बागवान होगा हिमाचल का तो आपको पता लगेगा कि वो इससे कितना इस समय त्रस्त है, परेशान है, और ये मुद्दा है गांव के लोगों के बीच में, और हिमाचल जो है अधिकतर ग्रामों में ही बसता है। बिल्कुल, जब हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चीजें देखी तो वहां पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग जो हैं इससे परेशान हैं, किसान जो हैं वो इससे परेशान हैं। जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं जयराम जी, कि चाहे बंदरों का मुद्दा हो या फिर जानवरों का मुद्दा हो, जो जंगली जानवर हैं, फसल नष्ट हो रहे हैं और इस ओर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और एक और चीज, बेरोजगारी का मुद्दा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। युवा बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से नरेंद्र मोदी को देख रहे थे और अभी भी देख रहे हैं, तो ये इन चीजों को लेकर के बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है? ये दोनों मुद्दे हर बार चुनाव के मुद्दे रहते हैं और पिछले, मैं तो देख रहा हूं, मैं पिछले 20 वर्षों से विधायक हूं और 20 वर्षों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये दोनों मुद्दे हर चुनाव में रहते हैं, चाहे वो बंदरों का मुद्दा है चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये इसमें ठोस कुछ बात करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, तो हमारी पार्टी की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद जितना काम करने की जरूरत है उसमें और आगे बढ़ करके जाने की आवश्यकता है, ऐसा हम महसूस करते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के इसमें हमने 5 वर्षों में इस मुद्दे को लेकर के कई बार विधानसभा के अंदर बात की और बात करने के बाद बहुत प्रयास का विषय बनता था। सरकार के आंकड़े आपस में इतने बेमेल होते थे, कहीं भी वो मेल खाते नहीं थे कि हमने इतने जो है बंदरों की स्टरलाइजेशन कर दी, हमने इतने बंदरों को पकड़ लिया, और जब सारा मिला करके देखते थे कि सारी चीजों को लेकर के एक प्रयास का विषय बनता रहा वो। और क्योंकि इस विभाग के जो मंत्री वो कभी भी गंभीरता से किसी विषय को लेकर के हुए नहीं आज तक, हमने देखा है हिमाचल। तो ये चुनावी मुद्दे रहे हैं लेकिन इस पर कार्यवाही जो है वो नहीं हो पाई है। संजय जी, नहीं हो पाई, बिल्कुल। संजय जी, आपने सुना कि किस तरीके से चुनावी मुद्दे आज से नहीं है, वर्षों से हैं, लेकिन काम नहीं होता है। मुद्दे होते हैं, उस पर वोटिंग हो जाती है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके जवाब आसान भी नहीं है। मेरा अगर हम राजनीतिक, क्योंकि जब राजनीतिक रूप से देखते हैं तो एक दूसरे पे आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन जैसी धरातल पे समस्याएं, जैसी एनिमल राइट्स के मुद्दे हैं और जितना बड़ा बंदरों का स्केल है, मैं भी खुद पिछले कम से कम, मैं 2003 से हिमाचल के इलेक्शंस को सीधा देखता रहा हूं, उनको कवर करता रहा हूं, ये मुद्दे तब से मैं सुनता आ रहा हूं और बहुत बड़ा हम कहीं आगे पहुंच नहीं पाए। तो कई मुद्दे, कई बार ये भी होता है कि जनता की अपेक्षाएं जो होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि सरकारों के पास वो इलाज नहीं होते, तो कहीं कहीं हमें ये एक हमारी आदत होनी चाहिए कि हम साफ बात अपने पॉलिटिशियन से सुन पाएं, वो हम में सहनशीलता नहीं होती। लेकिन दूसरी बात, कई बार ये भी होती है, अब जैसे मुझे नहीं पता कि इस चुनाव में क्लाइमेट चेंज से संबंधित कितनी बात हो रही है, एनवायरनमेंट से कितनी बात हो रही है, हिमाचल के वो स्पेशल स्टेटस कि हिमाचल पूरे नॉर्थ इंडिया का लंग है, उसको कैसे बचाएं, उसको कैसे प्रायोरिटी दें, ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा है, क्योंकि इससे जो पूरा पैराडाइम है विकास का, जो पूरा मॉडल है, उस पर हमें दोबारा से सोचने के लिए हम लोग मजबूर होते हैं कि हमें किस तरह का मॉडल रखना चाहिए। अगर हिमाचल भी पंजाब की तरह दौड़ में गाड़ियां लाने में और इस तरह से लग जाता है तो दूरगामी परिणाम ये होंगे कि ना पंजाब बचेगा ना दिल्ली बचेगा। हिमाचल को अपने स्पेशल कैरेक्टर के साथ हमें सम्मान करना चाहिए और इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और इन मुद्दों पर कोई भी राजनेता बोलते हुए फिलहाल दिख नहीं रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। फिलहाल सर, बहुत बहुत स्वागत आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
हमारे संवाददाता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट हम तक भेजी। उम्मीद यही होगी कि जो भी मुद्दे हैं उस पर सियासत होती है, वोट डाले जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि लोगों की अपेक्षाएं पूरी हों। और हम जिस चीज को लेकर चर्चा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, इंतजार रहेगा जब वोटिंग होगी और जब चुनाव परिणाम आएंगे तब ये चीजें निकलकर सामने आएंगी। कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहे न्यूज इंडिया, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर चुनाव जीतना संभव नहीं ये स्वीकार कर लिया है। We'll be right back.